मानकापुर पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जिस पर पहले से ही ट्रक चोरी के 35 मामले दर्ज है। खास बात है कि आरोपी के बच्चे उच्च शिक्षित है और मुंबई में अच्छी कंपनी में काम करते हैं। मानकापुर परिसर में रहने वाला 55 वर्षीय संजय ढोनी अच्छे घर से हैं, मगर उन्हें चोरी करने की आदत है। इससे पहले उन पर 35 ट्रक चोरी के मामले हैं। इस बार वह दुपहिया वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद पूरा वाक्या सामने आया है। काल दिनांक 10/5/2023 रोजी फिर्यादी अजहर सलीम खान राहणार मानकापूर यांनी पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार दिली की त्यांची ॲक्टिवा मोटरसायकल ही विकास भवन मानकापूर चौक येथे पार्क केली असता ती अज्ञात चोरट्याने चोरून नेलेली आहे। अशा तक्रारीवरून डीबी पथक आणि आम्ही घटनास्थळी जाऊन सदर घटनास्थळाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा व इतर गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी नामे संजय गोविंदराव ढोणे वय 56 वर्ष राहणार मानकापूर याने सदरचा गुन्हा केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले। सदर आरोपीस पेट्रोलिंग दरम्यान ताब्यात घेतले असता त्याच्याकडे गुन्ह्यात चोरीस गेलेले वाहन ॲक्टिवा मोटरसायकल जप्त करण्यात आलेली आहे। तसेच सदर आरोपीच्या अंग जडतीमध्ये एकूण 7 वेगवेगळ्या कंपनीचे मोबाईल, सोन्याची चेन आणि वेगवेगळ्या लोकांचे परराज्यातील लोकांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि एटीएम कार्ड असा मुद्देमाल एकूण 1,30,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। सदर आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर ट्रक चोरी, इतर वाहन चोरीचे एकूण 20-25 गुन्हे दाखल आहेत। सानी गुन्ह्याचा तपास माननीय डीसीपी सर मधने सर, एसीपी मॅडम बाविस्कर मॅडम व पोलीस निरीक्षक बोबडे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। आरोपी चोरी के मामले में लिप्त है, इससे पहले भी उसने कई मामलों को अंजाम देने की बात की है। आरोपी ने ऑफ कैमरा बताया कि वह ट्रक चोरी करता है और उसे कम कीमत में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।